So you what's up everybody, this is Varpreneur Singh and welcome back to my YouTube channel The Savage Singh Vlogs. वैसे तो हमारा आज का प्लान कुछ और था, इसलिए पूरा तैयार हुआ था. बिकॉज हमने लेनी थी एक बाइक की डिलीवरी जो थोड़ी सी डिले हो चुकी है. एंड क्या पता कल या परसों तक ले रहे, जब आप वीडियो देख रहे हो क्या पता बाइक आ चुकी हो, क्या पता वीडियो बना चुकी हो, बट आज तो नहीं ले रहे हैं. एंड आज मैंने सोचा कि इतना तैयार हो गया तो वीडियो शूट कर ही लेते हैं. तो एक काम करते हैं, मैंने एक काम करना था काफ़ी टाइम से, जो मेरी KTM है उस पर लगा हुआ है एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एंड उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है. तो मैं उससे बोर हो चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वापस लगा लेते हैं. ये स्टॉक एग्जॉस्ट पड़ा है मेरे पास, 2016 मॉडल है, तो उसका सिर्फ ये वाला एंड कैन आता है. तो चलते हैं सर्विस सेंटर एंड अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वापस लगवा लेते हैं. चलो तो सर्विस सेंटर आ रखे हैं. एक बार आखिरी बार आपको बाइक की आवाज़ सुना देते हैं, नहीं तो उसके बाद तो भाई वही KTM की स्टॉक एग्जॉस्ट, वही KTM की स्टॉक आवाज़ आने वाली स्लो वाली. आखिरी बार इस प्यारे से एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लो. कामया ये रहा, सुना देते हैं. लाउड है, अच्छी आवाज़ है, कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी कानों में चुभती है. तो इसलिए हम इसको कराए थे स्टॉक, ताकि हम डेली यूसेज में कर पाएँ. मतलब इसको मैं डेली नहीं चला पा रहे थे इस आवाज़ की वजह से, तो इसको हम डेली चला पाएंगे. तो जब तक बाइक का काम होता है हम थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं. यहाँ लगा हुआ है पूल टेबल एंड ये बहुत अच्छा पूल खेलता है, हर बार मेरे को हराया जाता है. तो आज मैं ट्राई करूँगा मैं इसको हरा पाऊँ, ठीक है ना. तो गाने चल रहे हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, टाइम लैप्स एंजॉय करो. एक गेम मैं जीत गया हूं 1-0. तो मैं 5 मिनट के लिए घर गया था, कुछ काम आ गया था अर्जेंट. एंड देखो जब हम आए हैं बाइक की हालत ये हो रखी है. ऐसे भी तो होना ही था, स्ट्रक्चर था, पूरा खुलेगा तभी जाके एग्जॉस्ट लगेगा. तो जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट था हमारा वो तरह से मैं घर भी रखा आया हूँ, अब लग रहा है स्टॉक एग्जॉस्ट. इधर से फिर भी हालत ठीक है. अब इधर से भाई ने कर दी पूरी नंगी. आ गया, आपने RC को बना दिया ट्यूब. तो बाइक के सारे कपड़े उतार दिए, अभी इसको दोबारा कपड़े पहना रहे हैं बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट लग चुका है. आवाज़ अभी नहीं सुना रहे, पहले पूरी पैक हो जाए फिर आवाज़ सुना देंगे आपको. मतलब कहाँ से कितना चेंज आया है, मतलब ज़मीन आसमान का. जहाँ हमारे कान फट रहे थे ना, अब पता भी नहीं चलेगा कब साइड से निकल गई. हाँ साइलेंट मोड हो जाएगी, अब साइलेंट मोड हो जाएगी. हाँ भैया कह रहे पहले जनरल मोड में थी, अब साइलेंट मोड हो जाएगी. अब पता भी नहीं चलेगा कब साइड से निकलेगी. तो बाइक का सारा काम हो गया एंड एक बार स्टॉक आवाज़ सुन लेते भाई कितना फ़र्क आया. साइलेंट मोड तो नहीं, बट काफ़ी हद तक कहते हैं ना बिल्कुल रिड्यूस हो गई आवाज़, बहुत ज़्यादा कम हो गई. पहले तो मतलब कान फट रहे थे, अब है कि डेली सुन सकते हैं इस आवाज़ को. तो फाइनली बाइक का जितना काम है ना भाई अपना हो चुका है. मेन क्या क्या था, एक तो एग्जॉस्ट उतरना था और ऊपर से उतरना, ये थोड़े बहुत मतलब बोल्ट्स वगैरह ढीले हुए थे. KTM में एक दिक्कत है यार कि KTM वाइब्रेट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके बोल्ट्स होते हैं ना काफ़ी ढीले होते हैं, कभी कभार ढीले होकर गिर जाते हैं. तो मेरी बाइक में वो दिक्कत थी कि थोड़े बहुत जो बोल्ट्स थे वो गिरे हुए थे, उस चक्कर में थोड़ा मेरा खर्चा आ गया, बट काम सारा हो गया फाइनल. तो थैंक यू यार, काम बढ़िया हो गया भाई का. एंड भैया को मैंने चैनल भी सब्सक्राइब करा दिया, तो अगली बार जब भी आएंगे सर्विस सेंटर इन्हीं, ठीक है ना. चलो मिलते हैं, ओके बाय.
तो सर्विस सेंटर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, उसको ढूंढना मुश्किल है, अंदर की तरफ है मायापुरी में, बट सर्विस भी बढ़िया है, लोग भी बढ़िया है, एंड जो ऊपर हमारा एरिया बना हुआ है ना वेटिंग रूम, वहाँ पर बढ़िया चीज़ें, मतलब अपने मतलब की चीज़ें, क्यों पूल टेबल लगा हुआ है एंड दो तीन इंजॉयबल चीज़ें लगी हुई, अपना टाइम पास बढ़िया हो जाता है। तो बाइक का काम सारा हो गया है बट हमारा काम नहीं हुआ था, तो अभी अपना काम और अपना पेट पूजा करने आए हैं हम, आए हैं कुछ खाने के लिए, और मायापुरी में तो बेस्ट है कि नहीं, तो ये कुलचे छोले बेस्ट हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, बढ़िया ही होगी होप सो। तो कैमरा रखाया हूँ मैं घर पे, बिकॉज अभी हम जो हैं स्कूटी में दे दी आपके पापा को, जो पुराना एग्जॉस्ट था जो एसी बजट वाला एग्जॉस्ट था मैंने रख दिया घर पे, एंड पता है काफ़ी दिनों बाद मैंने पगड़ी पहनी, मतलब ऐसे मोस्टली कैप वगैरह पहन रहा था बिकॉज ब्लॉगिंग वगैरह मेरी चल रही थी आजकल डेली, घर से निकल रहा था कोई ना कोई वीडियो शूट करता हूँ चाहे मैं डालूँ ना डालूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो पगड़ी पहनी तैयार हुए हैं, जिस काम के लिए तैयार हुए थे वो तो नहीं हुआ, बट अपना एक काम हो गया KTM का, तो एक काम करते हैं, बड़े दिनों से ना हम गए नहीं बंगला साहब गुरुद्वारे, तो हम दोनों तैयार होकर बैठे हैं, ये भी आज कॉलेज नहीं गया तो वेला है, मैं भी वेला हूँ कॉलेज नहीं गया, तो हम लोग जा रहे हैं बंगला साहब गुरुद्वारे, चलो बड़े दिन हो गए, क्यों भाई चलें, ये कुछ खिलाएगा मेरे को वहाँ से, क्या खिलाएगा आज बता, क्या खाएगा भाई तू, क्या खिला रहा है ये बता, तू क्या खिला रहा है, नान, हाँ करो जिम करना है हमें, नान खाएंगे। तो कल की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कल की इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द नेक्स्ट डे, कल मैं गुरुद्वारे गया उसके बाद घर आके सो गया, वीडियो कुछ रिकॉर्ड नहीं करी तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा काम कल का था ना, जो हमने एक बाइक की डिलीवरी लेनी थी वो हम आज ले रहे हैं, तो यहाँ पर आया भाई ये, हाय गाइस, एंड सोच लो किस चीज़ की डिलीवरी होने वाली है भाई, देखना या पता करना किसी की डिलीवरी तो अगली वीडियो में देख लेना, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर देना ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता लग जाए, क्यों भाई, यस गाइस, कौन सी वीडियो कौन सी बताओ, देव मैं नहीं दस यार, मेरा ब्लॉग देखना, व्यूज चाहिए इसका, व्यूज चाहिए तो इसका ब्लॉग देखना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिलीवरी लेने के लिए, मैं पूरा रेडी हूँ, बाकी लोग आ रहे हैं एंड शोरूम जा रहे हैं, नॉट अ हॉस्पिटल, तुम ऐसे कहते हो आकर आया कुछ तो आज ज़्यादा एक्साइटेड है, कोई नहीं चलते हैं एंड आप देखना अगली वीडियो में, ओके बाय।